तो हेलो गाइस क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है बी एड एग्जाम के लिए दो हज़ार इक्कीस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे वो भी सॉल्व करेंगे प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र इसका जो कि सभी वर्गों के लिए होता है साथ ही अरिहंत जो पब्लिकेशन है उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो बी एड की बी एड के लिए जो आई है बुक उसके प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जा रहे हैं तो उनको आपको चेकआउट कर लेना उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही इसकी पी जो है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर और उसके टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाई चांस अगर लिंक नहीं खुलती है कई कई बार तक खुलने नहीं आती है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर कुछ सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर ही चैनल जो है वो मिल जाएगा इस वीडियो को चलो आगे बढ़ाते हैं पहला क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल बत्तीस साठ किलोमीटर के मध्य स्थित है ऑप्शन है आयन मंडल ओजोन मंडल बाह्य मंडल या क्षोभ मंडल तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन मंडल अगला क्वेश्चन है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं ऑप्शन है युथ ऑप्शन बी है टिपी सी है इग्लू या तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू अगला क्वेश्चन है बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की की शुरुआत की गई ऑप्शन है वर्ष 2016 वर्ष 2014 वर्ष 2012 या वर्ष 2010 तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष दो हजार चौदह में अगला क्वेश्चन है जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है ऑप्शन है हिनाथ प्रबंधन मुद्रा संकुचन स्वर्ण मान या कर्ब ट्रेडिंग तो चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण मान क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई ऑप्शन है सर जॉन मैक मैकफर्सन सर जॉन सोर सर जॉर्ज बालो या चार्ल्स मेट कॉफ तो पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन सोर के सर जॉन सोर के कार्यकाल में अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु तो मंत्र की व्यवस्था की गई है एक मंत्रपरिषद की व्यवस्था की गई है तो ऑप्शन है अनुच्छेद चौहत्तर अनुच्छेद छियासी अनुच्छेद सत्तानबे या अनुच्छेद पैंसठ तो छः का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद चौहत्तर अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ऑप्शन है चार वर्ष सात वर्ष दस वर्ष या छः वर्ष तो राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है छः वर्ष का तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मानव सेवा के लिए स्थापित रेडक्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में फ्रांस की राजधानी पेरिस में या जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तो आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन है सोलह जून ग्यारह अक्टूबर उनतीस अगस्त या तेईस जनवरी तो क्वेश्चन नौ का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्तीस अगस्त अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी ऑप्शन है तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल तो क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल अगला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एस का गठन किस वर्ष किया गया ऑप्शन है वर्ष उन्नीस वर्ष 1960, वर्ष उन्नीस या वर्ष उन्नीस तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष उन्नीस अगला क्वेश्चन है सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी खानवा का युद्ध पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध पंद्रह सौ अट्ठाईस ईस्वी में बिलगाम का युद्ध पंद्रह सौ चालीस ईस्वी में तो बारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलग्राम के युद्ध अगला ऑप्शन है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन तेरह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन जो कि हुआ था 1916 में अगला क्वेश्चन है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पी लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे ऑप्शन है दीपक मिश्रा नारायण सिंह तीरथ सिंह ठाकुर या पीएन भगवती तो चौदह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीएन भगवती जब पीआई लाया लाया गया था तब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पीएन भगवती अगला क्वेश्चन है पीपुल्स डेली किस एशियाई देश ने किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका बीजिंग चीन दिल्ली भारत या ढाका बांग्लादेश पंद्रह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजिंग चीन से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आशापूर्ण देवी जाकिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या भगवती देवी छोला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगला क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं ऑप्शन है क्रिकेट वाटर पोलो बैडमिंटन या फुटबॉल से सत्रह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन से अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है ऑप्शन है महासभा सुरक्षा परिषद प्रन्यास परिषद सचिवालय तो अठारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था ऑप्शन है आठ अगस्त उन्नीस सौ उन्नीस सौ सड़सठ बारह सितंबर उन्नीस सौ बहत्तर इकतीस जुलाई उन्नीस सौ बासठ या अठारह अगस्त उन्नीस सौ सतहत्तर तो उन्नीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आठ अगस्त उन्नीस सौ सड़सठ में अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं ऑप्शन है, है कथकली कुीपुड़ी मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम क्वेश्चन बीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम में ये पारंगत है अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है ऑप्शन है नीरज सिंह चौधरी खुशवंत सिंह अमिताभ घोष मुरारजी देसाई तो इक्कीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशवंत सिंह अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दो किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया ऑप्शन है असम आंध्र प्रदेश उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश तो बाईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य के द्वारा उड़ीसा राज्य जो है उसकी विधानसभा के द्वारा ये विधेयक जो पारित किया गया था अगला क्वेश्चन है अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय में सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई शुरुआत की है ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय तो तेईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा किस लिख में लिखी जाती है ऑप्शन है सिंधी गुरुमुखी देवनागरी या इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन नंबर चौबीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है ऑप्शन है कैटेनोम परमाणु संयंत्र कुरनकुलम कुरन परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र भाभा परमाणु संयंत्र पच्चीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर परमाणु संयंत्र अगला क्वेश्चन है सी का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन काल आल डिजाइन कैश आल डेली कंप्यूटर आल डिजाइन छब्बीस का ऑप्शन uh, जो है हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज गोल सम्मेलन में भाग लिया था ऑप्शन है महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या चित्रंजन दास सत्ताईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है ऑप्शन है अनुच्छेद तीन सौ तैंतालीस संघ की राजभाषा अनुच्छेद तीन सौ इक्यावन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा अनुच्छेद तीन सौ पैंतालीस राज्य की राजभाषा अनुच्छेद तीन सौ चौवालीस राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग अट्ठाइस का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनसे तीन सौ इक्यावन सम्मिलित नहीं है अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना, जाना जाता है ऑप्शन है बांगर मृदा सोनार मृदा रेगुर मृदा या खादर मृदा तो ट्वेंटी नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगुर मृदा अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं डक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया किया जाता है ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला या अजंता पर्वत श्रृंखला तो तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ऑप्शन है कार निकोबार माया बंदर लक्षद्वीप या बैरन द्वीप तो इकतीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरन द्वीप अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी ऑप्शन है रामदास एकनाथ, नामदेव या ज्ञानदेव तो बत्तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकनाथ ने अगला क्वेश्चन है ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया ऑप्शन है क्रिकेट तीरंदाजी खेल हॉकी या फुटबॉल खेल तो तैतीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल खेल अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्क टावर का उद्घाटन किया गया ऑप्शन है चेन्नई विशाखापट्टनम दिल्ली या कोलकाता तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली में ले ले गया था ऑप्शन है मोहम्मद गौरी फिरोज शाह तुगलक तो जलालुद्दीन फिरोज या गैसुद्दीन -गैसु तुगलक तो पैंतीस तो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजा तुगलक अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब ऑप्शन है वह गठबंधन सरकार चलाता हो वह राज्यसभा का सदस्य हो वह लोकसभा का सदस्य हो जब उसके पास कम सांसद हो तो छत्तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह राज्यसभा का सदस्य हो अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा या मणिपुर तो सैंतीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में अगला क्वेश्चन है वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ऑप्शन है के के बिरला फाउंडेशन साहित्य कला अकादमी के द्वारा अजीत प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा या संस्कृत मंत्रालय के द्वारा तो अड़तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अगला क्वेश्चन है हानबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है ऑप्शन है नागालैंड मणिपुर मिजोरम या मेघालय तो थर्टी नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड अगला क्वेश्चन है उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है ऑप्शन है एक्सिस बैंक एस बी या आई बैंक चालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई डी आई बैंक अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं ऑप्शन है सिलिकॉन से आयरन ऑक्साइड से सिल्वर से या क्रोमियम से तो इकतालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौन से अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग होती है ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक प्रोसेसर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं तो बैलेंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा अगला क्वेश्चन है भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिणी दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया ऑप्शन है वियतनाम सिंगापुर फिलीपींस या मलेशिया तो तोतालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम अगला क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है ऑप्शन है नागपुर भोपाल इंदौर या जबलपुर तो चौलीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पैंतालीस तो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है ऑप्शन है गोल्डन थ्रेसहोल्ड इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स Printer ऑफ साइंस द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी तो छियालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया द्रिटिकल क्रिटिकल ईयर ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश मेघालय मध्य प्रदेश या कर्नाटक चालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका वंदे मातरम भारत दुर्दशा या मराठा तो अड़तालीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत दुर्दशा अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑप्शन है महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू या बीजे तिलक तो उनचास का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगला क्वेश्चन है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वरैयाैया महबूब उलह हक अमर्थ सेन जयप्रकाश नारायण पचास का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया यहाँ से हिंदी क्वेश्चन शुरू है क्वेश्चन है सब वर्ण का उच्चारित स्थान है ऑप्शन है मुर्धा कंठ तालु या दंत तो क्या उनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालु अगला क्वेश्चन है इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है ऑप्शन है तत्सम विदेशज देशज या तद्भव बाउंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशज अगला क्वेश्चन है आप बीती में कौन सा समास है ऑप्शन है द्यू समास समास तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास तो तिरपन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है किसमें नहीं लगा वो देखना है ऑप्शन है अपवाद ओढ़ना प्रभाव या पराजय तो चौवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओढ़ना इसमें कोई भी उपसर्ग जो है वो नहीं लगा है अगला क्वेश्चन है अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है ऑप्शन है वर्तमान काल भूतकाल काल या अनिश्चित काल। तो पचपन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूतकाल अगला क्वेश्चन है अपादान कारक का प्रसर्ग है ऑप्शन है का से अलग होना लिए या में या पर तो छप्पन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से अगला क्वेश्चन है कैची किस भाषा का शब्द है ऑप्शन है अरबी फारसी तुर्की या पुर्तगाली तो ताउन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है क्वेश्चन है आधी आधी चीजों को साथ रखना बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण सुमेल चीजों का सुमेल चीज़ों को बटोरना आधिकित चीजों को मिलाकर एक करना तो अट्ठावन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीमेल चीजों का सम्मिश्रण अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा ऑप्शन है एक आ ई या ई तो उनसठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ इसमें स्त्री इस वाचक बनाना है अगर तो अनुज में प्रत्यय जो है आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा अनुजा और ये स्त्रचक जो है शब्द हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा तो ऑप्शन है इंद्रजीत इंद्रजीत इंद्रियातीत या इंद्रदेव तो साठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रियजीत अगला क्वेश्चन है गायक शब्द के सही विच्छेद पर सही का मिलान लगाना है ऑप्शन है ग प्लस आयक गय प्लस यक ग प्लस यक गय प्लस, प्लस अक तो एक्सठ का सेंसर जाएगा ऑप्शन डी गय प्लस अक अगला क्वेश्चन है पाठशाला शब्द है ऑप्शन है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ या विदेशी तो बासठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा है ऑप्शन है कहाँ कोई यह या आप त्रेसठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं ऑप्शन है, है रामधारी सिंह दिनकर हरिशंकर परसाई रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी तो चौंसठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी अगला क्वेश्चन है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं ऑप्शन है संचारी भाव विभाव आलंबन या अनुभाव तो पैंसठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संचारी भाव अगला क्वेश्चन है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है ऑप्शन है संबंधबोधक अव्यय विस्म्यादिबोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय तो छाछा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय अगला क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली ही श्यो बिंध्यो आगे कौन हवाल पंक्ति में अलंकार है ऑप्शन है रूपक श्लेष अन्योक्त या उत्प्रेक्षा तो सड़सठ का जो ऑप्शन रहेगा सही वो रहेगा ऑप्शन सी अन्योक्त इसमें कौन सा अलंकार होगा अन्योक्त अलंकार अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ऑप्शन है अभी अभिव्यक्ति उपयुक्त ऐतिहासिक या कवयित्री कवयित्री तो तो कौन का सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उपयुक्त सही सुद, जो शुद्ध शब्द है वो है उपयुक्त अगला क्वेश्चन है चिन्ह है कौन सा है ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह लाघो चिन्ह विवरण चिन्ह या विस्माधिबोधक चिन्ह तो सिक्सटी नाइन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विस्माधिबोधक चिन्ह अगला क्वेश्चन है लच शब्द के दो अर्थ हैं ऑप्शन है गति चाल नाम या बल उद्देश्य या निशाना सही या उद्देश्य तो सत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देश्य या निशाना अगला क्वेश्चन है सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं ऑप्शन है रामधारी सिदिनकर मैथिली शरण गुप्त जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो इकहत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है ऑप्शन है पेड़ पर मैना बैठी है मोहित गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है तो चार ऑप्शन है इनमें से देखना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है तो इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है अगला क्वेश्चन है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि विसर्ग संधि या संधि। तो इतर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि इसका जो बनेगा इसका जो संधि विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा ये सा प्लस दा। ये इसका दिश्चित बनेगा तो इसमें कौन सी संधि होगी विसर्ग संधि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है ऑप्शन है सरल राजपुत्र विज्ञान या चौपाई तो चौहत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल अगला क्वेश्चन है वाक्य के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन है नाटक और प्रहसन कहानी और कविता नाटक और व्यंग प्रहसन और कहानी पचहत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी और कविता अगला क्वेश्चन है चपला का पर्यावाची है ऑप्शन है ज्वाला कंजूस दामिनी या भगिनी क्षेत्र का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामिनी अगला क्वेश्चन है रिज का विलोम शब्द है ऑप्शन है सरल वक्र त्रिकोण या सीधा सतहत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वक्र अगला क्वेश्चन है रात में विचरण करने वाला ऑप्शन है निशाकर वंचर तमचोर या निशाचर तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशाचर अगला क्वेश्चन है पाषाण शब्द है ऑप्शन है तत्सम तद्भव देशज या विदेशज सेवेंटी नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन है फूले न समाना आकाश पताल एक करना बहती गंगा में हाथ धोना अंगारों पर पैर रखना तो अस्सी का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी बहती गंगा में हाथ धोना अगला क्वेश्चन है वीर का स्थायी भाव है ऑप्शन है शोक रथ उत्साह या ग्लानी तो क्या सिंह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्साह अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है ऑप्शन है नाटक कहानी उपन्यास या एकांकी तो ब्यासिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकांकी अगला क्वेश्चन है भावुक शब्द उदाहरण है ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि या अयाधि स्वर संधि तिरासी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयाधि स्वर संधि अगला क्वेश्चन है तुमने कैसा शब्द है ऑप्शन है मध्यम पुरुष अन्य पुरुष उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष तो चौरासी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यम पुरुष अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है ऑप्शन है भारतेंद्र उपाध्याय हरिओद महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी रचना है अयोध्या उपाध्याय हरिओद की तो ऑप्शन बी का सही हो जाएगा पचासी का राइट आंसर ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है ऑप्शन है लड़के ने अपना दोस्त मान लिया मैं चाहता हूं और मैं कार्य करूँगा जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी अरे वह उत्तीर्ण हो गया तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सियासी का ऑप्शन सी जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी अगला क्वेश्चन है अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है वाक्य में क्रिया विशेषण है ऑप्शन है अंजलि बहुत भोजन या करती है सत्तासी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत क्रिया विशेषण क्या है बहुत अगला क्वेश्चन है खंड काव्य में किसका वर्णन होता है ऑप्शन है मानव जीवन के एक भाग का चित्रण मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण मानवे जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण या मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण तो अट्ठासी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव जीवन के एक भाग का चित्रण अगला क्वेश्चन है निन्यानवे के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन है किसी कार्य को पूरा न करना वास्तविकता से भिन्न स्थित अनुभवहीन होना धन संग्रह की चिंता में पढ़ना तो एट्टी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना अगला क्वेश्चन है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह कहलाता है तो ऑप्शन है विशेष प्रविशेषण परिमाणवाचक परि, विशेषण सार्वनामिक विशेषण तो नब्बे का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए विशेष से अगला क्वेश्चन है उद्धत का विलोम शब्द है ऑप्शन है विनय अवनत अनुदार या विनीत तो इक्यानबे तो का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी विनीत छमाही में कौन सा समास है ऑप्शन है अव्ययी भाव तिगु द्वंद्व या तत्पुरुष तो बाद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास अगला क्वेश्चन है समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा ऑप्शन है जठराग्नि दावाग्नि बड़वाग्नि या वनाग्नि तो तिरानवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़वाग्नि अगला क्वेश्चन है भाव और मनोविकार किसकी रचना है ऑप्शन है अज्ञे रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र या महादेवी वर्मा तो चौरानवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल की अगला क्वेश्चन है काव्य के कारक धर्म किसे माना जाता है ऑप्शन है रस छंद अलंकार या शब्द शक्ति तो पंचानवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलंकार अगला क्वेश्चन है वैद्यशाला शब्द है ऑप्शन है योग रूढ़ यौगिक रूढ़ या अयोगिक छियानबे तो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैद्यशाला क्या है योगिक शब्द है अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं ऑप्शन है दो तीन चार या पांच तो सत्तानबे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो प्रबंध काव्य के कुल दो जो भेद हैं बताए गए हैं अगला क्वेश्चन है दिगंबर शब्द का विच्छेद है ऑप्शन है दिग प्लस, दिग प्लस अंबर दिग प्लस अंबर दिग प्लस अंबर या दिग प्लस अंबर तो अट्ठानबे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिग प्लस अंबर अगला क्वेश्चन है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है इसमें ऑप्शन है अ, अद अधि या ता तो न्यान में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधि अधमानता में ऑप्शन कौन सा है अधि और इस एट का लास्ट क्वेश्चन है बंधन किसका प्रतीक है ऑप्शन है स्वाधीनता तो का अकेलेपन का गुलामी का या असमानता का तो सौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलामी का बंधन शब्द है ये किसका प्रतीक है प्रतीक है गुलामी का तो ये पे हाँ समाप्त होता है अगर ये पसंद आया हो आपको तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना